मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है दीपावली, आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम कर रहे हैं सफाई, बैठे बस चिकू के साथ। ये लड़का बहुत ज्यादा शरारत कर रहा है यहाँ पर, इसलिए इसके साथ भी खेलना पड़ता है। बाकी सफाई वगैरह तो हमने कल ही कर दी थी छत के एरिया में, और अभी आज बस पोछा लगाने के लिए लगा देते पोछा। फिर मिलते हैं बाद में आपको। मेरी बहन वगैरह लगा रहे हैं अभी पोछा, भी लगाती है बैठी हुई कब से। अभी आई हूँ मैं अपने घर के पीछे फूल चुनने के लिए। मैं दो टोकरियाँ लाई हूँ, ये वाले अलग ही फूल है, इनका अंदर वाला हिस्सा भी पीला है और बाहर वाला भी, तो इनको मैं अलग अलग टोकरियों में भरूंगी। तो बाकी लोग भी लगे हुए माला बनाने के लिए। तो ऊपर आ गया मंकी, शेकल खाने इस पेड़ में। देखो बहुत बड़ा मंकी, बस मार लेना है, देख रहा है। करते हैं अपना काम, इसको भी करने देते हैं अपना काम। तो ये निकाल दिए मैंने ये वाले फूल, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं देखने में। और व्यू भी देखो आप, थोड़े फूल मैं रख रही हूँ क्योंकि ये थोड़े सूख भी चुके हैं और बाकी छोटे भी हैं। अभी निकालेंगे बड़े वाले फूल नीचे। तो चलो पीछे स्पेस बन जाए, खड़ने जो बंदा वह बन जाओ ये। तो ये ले आई मैं फूल, इतने ही निकाले हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और निकाल लेंगे बाद में। और थोड़े से ये वाले हैं, पर पहले हम खाना खा लेंगे। और टाइम हो रहा है अभी एक नहीं बजे, बजने वाले हैं, तो खा लेते, उसके बाद ही बैठेंगे आराम से सब्जी बनाने के लिए। खाने में बनी है हमारे आज दलवा चने, माँ की दाल और साथ में अचार। दिल्ली लग पड़ी है खाना, यहाँ पे खाना भी खा लिया और अब लग पड़ते हैं अपने काम के लिए, फूल की माला बनाने के लिए। और सामने ना ग्लाइडर उड़ रहे हैं, तो आपको भी दिखाती हूँ मैं। देखो तीन ग्लाइडर उड़ रहे हैं और एक बहुत पीछे जो कि नहीं दिखाई देगा। और ये निकाल दिया मैंने सुई धागा कैंची, और बाकी लोग भी यहाँ पर नीचे माला बना रहे हैं अपने अपने आंगन में। चार वाले मैंने बनाई और चार ही मेरी बहन ने बनाई यहाँ पर, और एक ये बड़ी वाली माल भी मैंने ही बनाई। थोड़े से फूलों की कमी पड़ गई, तो हम दोबारा से आ गए फूल लेने के लिए। और आरोही को भी चाहिए थे, तो आरोही भी आ गई है। हाय कर आरोही, ये शर्मा रही है अभी लड़की। तो अभी हमने थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर दी है और अब हम बना रहे हैं रंगोली। और थोड़ी सी रंगोली बना दी, बस उनमें कलर भरने बाकी है। तो चल रहे हम अब कलर भरने के लिए। इनमें थोड़ी डिजाइन भरेंगे और इसमें कलर। चलो वाह करो।
तो फाइनली हमारी रंगोली भी कंप्लीट होगी, तो चलो आपको दिखा देते ये हमारी फर्स्ट रंगोली। वैसे जल्दी हो जानी थी, मनु से हमने कलर मंगवाए थे, उसने बहुत लेट कर दिए कलर लाने के लिए। और ये हमारी सेकंड जल्दबाजी में ऐसी ही बनी है, ये थर्ड, ये फोर्थ जो कि सबसे बेकार बनी है, और ये फिफ्थ, और ये बनी है लास्ट। तो चलते अब बाकी देखते हैं घर में क्या कर रहे हैं। और खाने में बन रही है हमारी पूड़ियाँ, और सब्जी बन चुकी है, खाना भी बन गया, और अभी हम करेंगे पूजा पाठ, उसके बाद हम मिठाई वगैरह बांटेंगे आस पड़ोस में, और फिर खा लेंगे खाना। अभी बहुत ज्यादा गर्मी लगी, चूल्हे के पास बैठे हुए थे। तो चिकू, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आज हमारा घर कैसा लग रहा है। दिए जलाए हुए ना, तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। चलो देखो दिए, और यहाँ पर लगाए हुए दिए इधर मेरे कमरे के बाहर, ये यहाँ पर दीदी के कमरे में, और यहाँ पर ये हमारा पुराने घर के अंदर, और ये कमरे के बाहर, सभी कमरों के बाहर लगाए हुए हैं। भाई जी तो आ भी गए मिठाई वगैरह बांट के। देखो बाहर भी लोगों ने कितना अच्छा सजाया हुआ है, रंग बिरंगी लाइटें लगाई हुई है जो कि देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं। ये मुल्तान गांव में भी रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई है, थूज गांव में भी, गालू में तो नहीं दिख रहा, मगर मेन बाजार भी काफी अच्छा दिख रहा है वहां पे। ज्यादातर तो ये वाला एरिया ज्यादा दिख रहा है। देखो यहाँ पर भी रंगोली बनाई हुई है फूलों से, बहुत सुंदर लग रही है। तो ये हो रही है पूजा की तैयार, थोड़े से फूल भी रख देने थे भाई। इतना सारा झोंका मत लगाओ, पानी ही उबलता लग रहा है, बुझा दे बाग, जाओ जय करके आओ मामू के साथ, ठीक है। ये आज बहुत खुश है, इसको दिए दिख रहे हैं ना, तो ये बार बार बोल रहे हैं जय जय, ये लड़का बहुत खुश हुआ है आज मेरे बुट्टू। लाइट ऑफ करके ना बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। अभी मनु जा रहा है नीचे पूजा पाठ करने के लिए, और इस लड़के ने तो कर दी पूजा शुरू। भजन भी गाओ जय माता का। अभी जा रही हूँ मैं प्रसाद बांटने, और लोगों ने तो दिवाली बनाना भी शुरू कर दी है। वैसे अभी काफी टाइम है, 7 ही बजे हुए हैं। अरे वे हाँ, खाएंगे अब मटर पूड़ी इस भाई लगा। जाएंगे जाएंगे उनसे बात खाते थे, एक एक दे भाई बंदा इस रोगे संगे भाई लगा। इस बाला तो मटर नहीं है, कल लिया ही हमें पता नहीं आया कि नहीं आया पूरे कने। तो तू बाला तो खाना पूरे बस सी क्या बोल सकता हूं ना, यहां पर आग जलाई हुई है, धुआं कर रहा है। देखो ब्लॉग बना रही है, हाय बोलो, हाय हाय फोड़ नहीं फोड़ने। बाहुबली बम फाड़ रहे पीछे लोग, और पीछे बम फोड़ रहे हो। बाहुबली बम डर लगती आई एम ए पागल पागल पापा। हाँ, हटाट पीछे जाए।
कोई पता नहीं था शादी में आवा के देखे बच्चे कान फट गए पर हुए पटाखे वगैरह फोड़ के भी हम आ गए हैं। वैसे मैंने तो नहीं फोड़े, मैं तो बस देखने ही गई थी और थोड़ा सा मजा लिया। वैसे मजा ही आता देखने में पटाखे फोड़ते हुए। तो इस बार की दिवाली आपकी कैसे रही कमेंट में जरूर बताना। और देखो बाहर अभी भी पटाखे फूट रहे हैं बहुत जोरदार, अभी ये तो सारा रात चलते रहेंगे ऐसे बीच बीच में। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज के ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।